सिमर के ससुराल में आज परी पर सिमर और माताजी का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, परी सभी घर वालों को ये विश्वास दिलाना चाहती है कि पीयूष अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन माताजी ने तो परी को ही मार दिया है जोरदार थप्पड़। और तो और, सिमर भी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सिमर को यकीन है कि एक न एक दिन पीयूष जरूर वापस आएगा। इतना ही नहीं, सिमर फोन करके पीयूष के बारे में पता लगाती है। बस फिर क्या था, सिमर को पीयूष का पता चल गया है और वो प्रेम के साथ पीयूष को ढूंढने के लिए चली जाती है। लेकिन जब सिमर घर लौटती है तो नजारा ही कुछ और होता है। हाँ हाँ, भारद्वाज हाउस में परी ने रखी है पीयूष की शोक सभा, जहाँ परी के साथ वहाँ मौजूद सभी लोग डूबे हैं पीयूष की मौत के गम में। ये माहौल देखकर सिमर ने परी को मारा जोरदार थप्पड़। इतने में ही पीयूष की प्रेम के साथ होती है घर में एंट्री और पीयूष को देखकर परी हो जाती है शॉक। वैसे पीयूष की हरकतें तो देखिए, ये पीयूष ही हैं या उनके हम शक्ल। अरे, हमारा मतलब ये है कि सिमर के हैंडसम बेटे पीयूष तो आज बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं। देखिए देखिए, आप भी देखिए पीयूष का ये बदला हुआ रूप। अब चलते हैं परी के पास, जो आज फिल्माए जा रहे इस पूरे सीन के बारे में हमें डिटेल में बताएंगी। बिल्कुल, क्योंकि आज मौका ही ऐसा है। आज मैंने घर पे शोक सभा बुलाई है क्योंकि कुछ देर पहले इंस्पेक्टर साहब घर पर आए थे और उन्होंने ये खबर दी कि माताजी का पोता है, जो सिमर का बेटा है, वो इस दुनिया में नहीं रहा पीयूष, और उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। तो ये एक बहुत बुरी खबर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम वेस्ट किए बिना मैं एक शोक सभा बुला लूं। खास करके ये शोक सभा मैंने इसलिए भी बुलाई है ताकि सिमर को ये बात रियलाइज हो जाए कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। वैसे परी, पीयूष की तस्वीर पर माला टांग कर शोक सभा आपने रखी थी और अब पीयूष की तो घर में एंट्री हो गई है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? जब पीयूष ने एंट्री की तब मैं एक्चुअली पीयूष को देखती रह गई, क्योंकि मैं तो इस ख्याल में ही थी कि पीयूष इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब मैंने पीयूष जैसे दिखने वाले इंसान को, पीयूष ने कह नहीं सकते कि वो पीयूष ही है, मैंने जब उसे देखा तो मैं क्यों देखती रहेगी, क्योंकि उसका हाव भाव, उसका चेहरा तो पीयूष जैसा है, लेकिन उसका हाव भाव, उसका रंग ढंग, उसकी चाल बिल्कुल भी पीयूष जैसी नहीं है। वो कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था। एक मतलब जब एक आदमी किसी बच्चे के जैसे बिहेव करे तो अटपटा लगेगा, लोग देखेंगे, बातें बनाएंगे। तो अब तो ये एक क्वेश्चन मार्क ही है कि वो पीयूष है भी या नहीं। ओह, तो परी को अभी भी डाउट है कि ये पीयूष है या फिर उसका कोई हमशक्ल। वेल, जो भी हो, इसकी अपडेट भी यू मी और टीवी आपको जल्द ही देगा। मुंबई से ज़ारा खान, E24।